हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने अपना 52-week लो जो है टच कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या हमें इन स्टॉक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए या फिर इन स्टॉक्स से हमें एग्जिट होना चाहिए। लेकिन उन चार स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे निफ्टी का सपोर्ट, कि निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, वो कौन सा लेवल है जहां पर मार्केट एक सस्टेन कर सकता है। अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती है, मार्केट अगर चार्ट के अकॉर्डिंग जो है काम करेगा, तो कहां पर सस्टेन कर सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताने वाला हूं। तो सबसे पहले निफ्टी को जो है वीकली चार्ट पर लगाया गया है, यानी कि एक कैंडल जो है एक वीक की है। वीकली चार्ट पर सबसे अच्छा जो है सपोर्ट नजर आ रहा है निफ्टी का, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो सपोर्ट आ रहा है, एग्जैक्ट जो आज क्लोजिंग हुई है वहां पर देखिए सपोर्ट आ रहा है यहां पर एग्जैक्ट 10,709 का। अगर कल के सेशन में मार्केट यहीं पर सस्टेन कर जाता है तो एक बाउंस बैक जरूर देगा मार्केट यहां से। तो ये जो पहला लेवल है जहां पर आपको क्वांटिटीज ऐड करनी चाहिए, आपको निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं यानी कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो इन स्टॉक्स में आप क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं अभी प्रेजेंट लेवल पर। उसके बाद जो सेकंड लेवल रहेगा, अगर इस लेवल को अगर ये निफ्टी तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट रहने वाला है वो है 10,572, यानी कि 10,570 के आसपास सीधा जो है निफ्टी आने वाला है अगर 10,709 को अगर इस ने जो है कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो। तो ये दो सपोर्ट रहेंगे आपके लिए सबसे अच्छे जहां पर आप क्वांटिटीज ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और अभी जो है मार्केट गिर रहा है तो यहां पर आपको पैनिक नहीं करना है। किसी अच्छे स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग बनाकर रखिए तो उसको होल्ड रखिएगा, क्योंकि निफ्टी का नेचर है जब जब मार्केट गिरेगा आपको टाइम जरूर लगेगा। हो सकता है मार्केट रिकवर होने में ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट में हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक में बाय किया हुआ है तो मिलेगा आपको रिटर्न, अदरवाइज पैनी स्टॉक्स में बाय करके रखा है बिल्कुल बैड फंडामेंटल वाले में तो फिर आपको रिटर्न ज्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला है। अब मैं बताता हूँ आपको स्टॉक्स के नाम, वो चार स्टॉक्स कौन से हैं जिन्होंने 52-week लो बनाया है और क्या हमें स्टॉक में और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए या नहीं। तो पहला स्टॉक जो है हमारा अशोक लीलैंड, 57.95 का जो है प्राइस चल रहा है। 52-week लो देखिए इसका 57.50, यानी कि आज ही के दिन इसने लो बनाया है। 10 साल का रिटर्न देखे तो 226% का रिटर्न है। इंडस्ट्री पीई के हिसाब से आपको बहुत ही सस्ता ये स्टॉक मिल रहा है, लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका मैं आपको सपोर्ट बता देता हूं कि कहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है। तो इस पर कोई भी जो है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन नहीं आ रही है, वहां पर अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर की लाइन जो है 100 डेज का मूविंग एवरेज था 66.69, इसने ब्रेक कर दिया आज के सेशन में भी बिल्कुल ही इसको ब्रेक कर दिया है। ये जो है मंथली चार्ट पर स्टॉक को लगाकर रखा है, इसका 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो आ रहा है 42 रुपीज के आसपास में, 42.07, यानी कि आप इससे थोड़ा सा और 2 रुपए कम कर दीजिए, 40 रुपए से जब तक अशोक लीलैंड नीचे नहीं जाए तब तक अशोक लीलैंड से एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना है। सिप मोड में क्वांटिटी ऐड करते जाना है। ये स्टॉक्स वो ही लोग होल्ड करके रखे जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, 5 से 10 साल का है। शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो हो सकता है कि अगर निफ्टी ने होल्ड नहीं किया 10,709 का सपोर्ट तो फिर इस स्टॉक में फर्दर और गिरावट आ सकती है। और अभी अगर इस हिसाब से देखें जहां पर कैंडल ने इसको 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को जो है ब्रेक किया है तो कहीं पर भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। अगला सपोर्ट सीधा जो है 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सिप मोड में बाय करें और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो है वो लोग अगर एग्जिट होना चाहे तो एग्जिट हो सकते हैं स्टॉक में, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में अभी भी बहुत अच्छा चांस है कि आप बहुत शानदार रिटर्न इस स्टॉक से जनरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक में बने रहें। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ITC लिमिटेड। इस स्टॉक में सबने बोला है बहुत जो है स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी जो है स्टॉक जिस लेवल पर आया है यहां से अगर आप एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक में तो अगर 2 साल का भी नजरिया है तो आपको बहुत शानदार रिटर्न इस स्टॉक में
मिल सकता है। एक साल में देखिए 23% की गिरावट है और इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये स्टॉक भी सस्ता है, लार्ज कैप का स्टॉक है और ये सारे स्टॉक जो है डिविडेंड आपको देते हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए 52 वीक लो जो है इसका 238.95 रुपीज का है और 240 रुपए पर अभी चल रहा है। चार्ट पर देखते हैं कहां पर इसका सपोर्ट आ रहा है। मंथली चार्ट पर अगर सपोर्ट देखें आईटीसी का, तो आईटीसी का जो सपोर्ट आ रहा है वो देखिए, एक तो आ रहा है ये 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है 228 रुपए का, और एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से आ रहा है 222 रुपए का, यानी कि 220 रुपए के नीचे जब तक ये स्टॉक नहीं जाए जब तक आपको पैनिक स्टॉक में नहीं करना है। और इसका अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज देखें अगर मंथली चार्ट के हिसाब से, तो 142 रुपए है, वहां तक ये स्टॉक नहीं जाने वाला है। मेजर सपोर्ट जो है 222 रुपए के आसपास आ रहा है, तो आप लोग जो है सिप मोड में ऐड करते रहिए। आईटीसी आने वाले टाइम का मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में भी वर्क करता है, होटल इंडस्ट्रीज में भी वर्क करता है, और जो है इसका सिगरेट बनाने का बिजनेस भी जो है अच्छा है, तो ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑटो सेक्टर आपको पता ही है अभी जो है बहुत ही बैड फेस से चल रहा है, और ऑटो सेक्टर में अगर आप सबसे सस्ता स्टॉक निकालें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और इसने जो है अपना 52 वीक लो लगा दिया है 502 रुपए का और 511 रुपए के प्राइस पर चल रहा है। लार्ज कैप का स्टॉक है, डिविडेंड अच्छा देता है और इंडस्ट्री पी के हिसाब से बहुत ही सस्ता है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो भी कम है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोर्ट में आपको बता देता हूँ कहाँ पर इसका सपोर्ट आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है फिबोनाची भी ड्रॉ किया है, तो 501 रुपए से 385 रुपए के बीच में इसका बेस्ट बाइंग जोन है, और इसका सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 417.5 यानी कि 418 रुपए का आप जो है इसका सपोर्ट मान सकते हैं। वहां से स्टॉक नीचे जाए तभी स्टॉक में जो है एग्जिट करने का एक बार सोच सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक में बने रहिए, ये स्टॉक आपको जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक, 348 रुपए का प्राइस चल रहा है, 52 वीक लो जो है इसका 343 रुपए का, लार्ज कैप का बैंक है, डिविडेंड अच्छा देती है, एनपीए भी ज्यादा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रखेंगे तो ये बैंक आपको मल्टीबैगर रिटर्न बढ़ा के रख सकता है, और जिन्होंने भी होल्ड करके इस स्टॉक को रखा है वो लोग इसका सपोर्ट देख लीजिए कि इस स्टॉक में एग्जिट कब होना है आपको। इस स्टॉक में एग्जिट होना है अगर ये 329.5 का जो है इसका सपोर्ट आ रहा है, तो 329 से भी आप लगा कर रख लीजिए, 1% भी अगर लगा के देखें तो 3.29 के समथिंग आएगा, तो 325 रुपए का लेवल अपने एक माइंड में रख लीजिए कि 325 रुपए से अगर आरबीएल नीचे गया तो फिर हमें स्टॉक में एग्जिट करना है, अदरवाइज जो स्टॉक में होल्ड करके रखना है। ये स्टॉक भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लिया आपने तो अच्छा रिटर्न आपको बना के दे सकता है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।